हे गाइस आज मैं बताने वाली हूँ आपका पेपर सेवन और पेपर एट में जो जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में इनफैक्ट ये कहा जाए कि एक्सप्लेनेशन आपका पूछा कहाँ से जाएगा आप कैसे जानेंगे कि कौन सा एक्सप्लेनेशन कहाँ से दिया गया है तो सबसे पहले मैं ये डाउट क्लियर कर देती हूँ कि पेपर एट में आपका एक भी एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता है अब बात रही पेपर सेवन में तो पेपर सेवन में आपका एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए आता है और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आपका जो पोएम से पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन उस पोएम में से बहुत सारे पोएम्स ऐसे होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव को भी कवर करता है तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर सेवन में आपका जो फर्स्ट नंबर आता है वो पोएम से आता है पोएम में कहीं से भी पूछा जा सकता है वी कान से दैट और सेकेंड नंबर जो आएगा वो आएगा आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर द बेबर्स ऑफ नैन जोरे एंड थर्ड वन इज द ग्लोरी एट टू लाइट ये आपका इंपॉर्टेंट है पेपर सेवन के लिए अब अब बात करते हैं पोएम आपको कौन कौन से पढ़ने होते हैं पेपर सेवन में द लोटस आवर ट्री के मैन पेयर ये तुरु दत्त के द्वारा लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया कैन इट बी द गार्डन पेसन टू मी मदर ये आपका मनमोहन घोष के द्वारा लिखा गया है रिवलेशन ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स ऑफ गॉड ट्रांस ऑफ वेटिंग द टाइगर एंड द डियर द ड्रीम ऑफ अ सेवरल साइंस ये सीरी ऑरोडो के द्वारा लिखा गया है कैप्राइज इफ यू कॉल मे विलेज सॉन्ग द क्वींस रिवाइवल टू माई फेरी फैंसिस समर उड्स द सोल्स प्रेयर ये सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया नोन पिकॉक टाइम्स सेपर से पर ये आपका लिखा गया है हरिनाथ छतोपाध्याय फिलोसफी इंटरप्राइज मैरिज नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इन इंडिया ये नजीम इजैकल के द्वारा लिखा गया है इंडियन पर्सन द हॉर्स हुज़ इन अ कलकत्ता स्ट्रीट जयंत महापत्र के द्वारा लिखा गया है एंड इंट्रोडक्शन द डांस ऑफ द इंसिस समर इन कोलकाता आफ्टर द इलनेस ये कमला दास के द्वारा लिखा गया है इतने पोएम्स आपको पेपर सेवन में पढ़ने होते हैं जिसमें कि आपका ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका well एक्सप्लेनेशन में भी हेल्प करता है एज वेल एज ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करता है